वेलकम टू ऑल राउंडर बीएसएस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि आठवीं वाले बच्चों ने दिया था। तो अब जैसे कि आप खुद जानते हो कि 2 फरवरी 2019 को आठवीं वाले बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्जाम था। फिर अभी हाल फिलहाल ही इनका फर्स्ट लिस्ट जो इनकी है वो जारी की जा चुकी है। अब फर्स्ट लिस्ट जारी हो जाने के बाद जिन जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना चाहिए और जिनका नहीं हुआ है वो अब क्या करें, तो आज इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और उन्हें अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीख लेते हैं। यहां पर आप जानते हो कि देश भर में कई सारे विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल पर भी कोचिंग की और भी कई जगहों से कोचिंग की है, लेकिन सिलेक्शन बहुत ही कम स्टूडेंट्स का हुआ है क्योंकि सीटें भी इस बार कम थी। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो खुश हुए होंगे और जिनका नहीं हुआ है वो शायद थोड़े से नाराज। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में भी है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में भी है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उसके लिए तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कह दिया है, नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कह दिया है कि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो इन इन बातों का ध्यान दें। और मैं यहां पर उनके लिए भी बताऊंगा और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी बताऊंगा कि अब वो क्या करें। तो नवोदय विद्यालय ने तो सिर्फ कहा है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज का ध्यान रखें और मैं यहां पर बात करने वाला हूं सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड। नवोदय विद्यालय ने कहा है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मोस्टली होता है क्या होता है कि जैसे ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ उसके माता पिता या फिर वो बच्चा सोचता है कि अब तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में इजीली एडमिशन ले लूंगा। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि ऐसा सोचते सोचते ही उसका सिलेक्शन होने से रुक जाता है क्योंकि कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। शायद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर और भी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में ना हुआ हो। क्योंकि अभी जो ये लिस्ट जारी हुई है ये फर्स्ट लिस्ट है और इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका फाइनल कंफर्म सिलेक्शन है। जवाहर नवोदय विद्यालय ने खुद ने कहा है कि जो ये फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। नवोदय विद्यालय का कहना है कि जिन विद्यार्थियों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ रहा है वो एक बात का ध्यान रखे कि जिस विद्यालय में वो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब कि उनके गांव की शहर की जो भी स्कूल है जहां पर अभी वो आठवीं में पढ़ रहे थे वो वहां से अभी किसी भी हालत में ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना ले, क्योंकि क्या पता आपका सिलेक्शन फाइनल तौर पर जवाहर नवोदय विद्यालय में हो ही ना। फिर यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय का कहना है कि मान लो कि आप वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आते हो और फिर आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में भी नहीं होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्टूडेंट्स व उसके पेरेंट्स की होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का कहना है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और ये की ये बात मैं जो स्टूडेंट्स नॉन सेलेक्टेड हैं शायद उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो अगर ये सोच के बैठे हो कि उनका नाम सेकेंड लिस्ट में किसी भी हालत में आ जाएगा तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी हालत में जब तक आपका फाइनल एडमिशन नवोदय विद्यालय में ना हो जाए तब तक आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से ना लेवें, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और अब कई सारे बच्चे पूछेंगे कि सर क्या सेकंड लिस्ट आएगी और क्यों आएगी, तो देखिए ये जो फर्स्ट लिस्ट है
इसमें उन्होंने सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए हैं जितनी की सीटें खाली है। अब मान लो कि 600 सीटें ओवरऑल ऑल ओवर द इंडिया में खाली थी मान लो, और इसमें से इन्होंने अभी 600 स्टूडेंट्स को चूज किया है। अब 600 में से मान लो कि 20-30 स्टूडेंट्स के मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही कोई ना कोई दिक्कत आ गई। कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार के भी हो सकते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले लेने के बाद भी छोड़कर भाग जाए कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, या फिर कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मान लो 30-40 लोग यहाँ से भाग गए तो कुल मिलाकर आपके लिए 50-60 या 70 सीटों तक और खाली हो सकती है। तो क्या पता अगर आपके मार्क्स थोड़े से अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। इसके बाद भी अगर मान लो कुछ स्टूडेंट्स और छोड़ के भाग जाते हैं तो अक्टूबर तक इसकी फाइनल जो लिस्ट होती है, फाइनल लिस्ट वो भी जारी की जाती है। मैं आपको बता दूं अक्टूबर के बाद एक और लिस्ट भी जारी होती है, मान लो अगर उस जवाहर नवोदय विद्यालय में और सीटें खाली होती हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो किसी भी हालत में अपने जो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो ना ले, और जिनका नहीं हुआ है और वो अगर मान लो उनका मन है कि वो उस स्कूल को छोड़कर किसी और स्कूल में अगर जाना चाहते हैं तो आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले रहे हो कि भाई मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा तो हाल फिलहाल आप होल्ड कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक कि अक्टूबर तक की फाइनल लिस्ट जारी ना हो जाए, और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ना हो जाए। ओके, चलिए अब जैसे कि ये तो बात हो गई कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो क्या ना करें। अब मैं बताऊंगा कि जिन विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय विद्यालय में 9th के लिए सिलेक्शन हो चुका है फर्स्ट लिस्ट में, अब उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या करना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा कि यह है जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जारी किया गया नोटिस जो कि फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद किया गया। इसमें क्या लिखा गया है, सेलेक्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 9th थ्रू लेटरल एंट्री टेस्ट हैज बीन रिलीज्ड। द पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मे टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर एडमिशन टू जवाहर नवोदय विद्यालय। मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय का कहना है कि 9th में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका परिणाम घोषित हो चुका है, और जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनके माता पिता इस बात को ध्यान दें और अपने बच्चे का जल्द से जल्द जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन को लेकर कार्यवाही शुरू करें। क्या कहा गया है, फॉर्मेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ डिटेल्स मे बी डाउनलोडेड। मतलब कि जो जो चीजें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो सारे की सारी लिस्ट आपने उनकी वेबसाइट से ले ली होगी तो मैं आपको बता दूंगा अभी। सेकंड क्या कह रहा है, फिल्ड इन द फॉर्मेट्स आर टू बी सबमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ जेएनवी कॉन्सर्ट एज पर शेड्यूल। मतलब कि जो ये फॉर्म होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एकदम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको उस जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को वक्त आने पर जमा करने हैं जो कि आपको बता दिया जाएगा। मतलब कि आपके यहाँ पर एक पोस्ट भी शायद आ चुकी होगी, यानी कि पोस्ट ऑफिस से आपके पास एक पोस्ट आएगी, उस पोस्ट में ये सारा फॉर्मेट होगा और उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको कब जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्री करनी है, मतलब कि कब आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के सामने पेश होना है, तो वो सब आपको उसमें बता दिया गया होगा। चलिए उसके बाद क्या लिखा गया है, आफ्टर वेरिफिकेशन, सॉरी इसके बाद जो लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ रूरल ओबीसी एससी एसटी एंड डिजिबिलिटी एज एप्लीकेबल आर टू बी सबमिटेड टू दी जेएनवी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी टू कन्फर्म एडमिशन टू क्लास 9th। मतलब कि आप अगर गांव से हो, एसटी एससी या फिर जो भी कैटेगरी आपने चूज की थी उस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपको नवोदय विद्यालय में सबमिट करना होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी।
फिर क्या कहता है, आफ्टर वेरिफिकेशन जेएनवीज विल कंफर्म द एडमिशन, मतलब कि, और उसके बाद लिखा है इफ द कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल एज पर एनवीएस फॉर्म्स, मतलब कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद अगर आपका बच्चा उस जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए एलिजिबल हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए खुला लिखा है इट इज इन्फॉर्म्ड दैट एडमिशन विल बी गिवन एज गिवन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेरेंट्स आर एडवाइज नॉट टू टेक ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल अंटिल द एडमिशन इज कन्फर्म्ड बाई द जेएनवी। ये देखिए खुला हाईलाइट करके लिखा गया है कि उनके पेरेंट्स को कहा जाता है कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कंफर्म ना हो जाए तब तक उस स्कूल से आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना लें। फिर यहां पर लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी भी प्रकार की फीस आपको वहां पर पे नहीं करनी पड़ती है। और उसके बाद क्या लिखा है, नो फी इज टू बी पेड टू द स्कूल अथॉरिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, द पेरेंट्स स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच डायरेक्टली द प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी कंसर्न, मतलब कि जो स्टूडेंट हैं या फिर जो स्टूडेंट्स के माता पिता हैं वो सीधा जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट कीजिए और वहां पर आप उनसे बात कीजिए कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हुआ है, अब आगे क्या करना है। और अगर उसके बाद भी मान लो आपके यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई वहाँ का प्रिंसिपल या फिर कोई ऐसी बात अगर हो जाती है तो आप उसके लिए नीचे एक ईमेल है aissee.jnvst.nvs@gov.in, इस पर आप उन्हें शिकायत लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखिएगा, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है ये मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्म आपको, इस फॉर्म का एक पेज एक कंप्यूटर की दुकान पर आप जाना या फिर किसी ई मित्र की दुकान पर जाना, उनसे ये एक पेज ये है, एक पीछे 3 और 1 4, एक पीछे 5 6 7 8 9 पेज है, 9 पेज आपको हार्ड कॉपी निकलवानी पड़ेगी और शायद मेरे हिसाब से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके पास ये 9 पेज पहुंच जाएंगे, मेरे हिसाब से आपके पास पहुंच जाने चाहिए, और अगर ना पहुंचे तो आपको इनकी हार्ड कॉपी निकलवानी पड़ेगी। चलिए फिर आपको क्या करना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये यहां पर जो है जी, ये जो सबसे पहला फॉर्म है ये लिखा है टू बी फिल्ड इन बाय द पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ द हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास्ड 8th क्लास एग्जामिनेशन, मतलब कि जिस स्कूल में आपका बच्चा 8वीं में पढ़ रहा था उस स्कूल के हेडमास्टर की सहायता से आपको ये फॉर्म भरना है और इसको फिलअप करना है कंप्लीटली, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो सबसे पहला लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसका नाम, आधार नंबर, और यहाँ पर उसका फोटो आ जाएगा, मेल या फीमेल जो भी है, कैटेगरी जो आपकी है, कास्ट है, यानी कि देखिए इसमें शायद मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको भर देना है और जिस स्कूल से आपका बच्चा अभी पढ़ के आया है उस स्कूल के प्रिंसिपल की भी यहाँ पर सील होगी और वो उसकी इसके ऊपर साइन करके भी देगा। ये रहा सेकेंड फॉर्म है और लिखा है द अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स एंड गार्जियन, और ये जो फॉर्म है ये आपके माता पिता द्वारा, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसके जो माता पिता हैं वो इस फॉर्म को भर के अपने सिग्नेचर करके देंगे। चलिए फिर क्या है, अंडरटेकिंग है, और ये जो है पीछे वाला ये है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको लिखवा के लाना है आपके यहाँ पर जो लोकल डॉक्टर है उनसे, वो आपको लिख के दे देंगे कि भाई इस बच्चे की हाइट वगैरह जो भी है वो सब आपको लिख के दे देंगे। फिर आपको यहाँ पर 4 सर्टिफिकेट
ये है, और पांचवा जो सर्टिफिकेट है वो नीचे की साइड दिया हुआ है, जो आपको खुद को फिलअप करना पड़ेगा। अब ये चार सर्टिफिकेट कौन से, ये मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। चलिए, चार में से एक तो है आपका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये क्या होता है कि अगर आपका बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। फिर है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना पड़ेगा। चौथा है रूरल सर्टिफिकेट, कि आपका बच्चा गांव का है, इसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। और फिर जो आता है ये आता है कास्ट रूरल हो गया, जो लास्ट वाला जो आता है सर्टिफिकेट वो आता है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि होता है मूल निवास, उसको कहा जाता है मूल निवास, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है बोनाफाइड, वो आपको लाकर जमा करना होता है। अब उसके बाद जो एक फाइनल सर्टिफिकेट यहां पर दिखाया गया है वो है कि टू बी फिल्ड अप बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इश्यूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ द तहसीलदार एज द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन ऑफ द क्लास इन थ्रू लेटरल एंड टेस्ट। जी, तो जहां पर मान लो आप अगर गांव के हो, अगर आप विलेज के हो, तो शायद आपके यहां पर तहसीलदार ना हो, है ना, लेकिन आपके आसपास जो भी आपकी पोस्ट होती है या फिर जो भी आपकी तहसील होती है, वहां पर आप जाइए और वहां के जो तहसीलदार साहब हैं उनसे आप ये सर्टिफिकेट लिखवा के ले आइए कि सर मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है और आप मुझे ये फॉर्म भर के दो। इतना सब कुछ कर देने के बाद ये लास्ट में एक है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपके माता पिता द्वारा भरा जाना है। आपके माता पिता खुद इसको भर देंगे और अपने साइन करके जवाहर नवोदय विद्यालय में इसको प्रिंसिपल के सामने पेश करना है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होगा, फाइनली फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए, और इसके बाद आप कोई गलती मत कर देना। मैं भी एस सोलंकी ऑल राउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे तीन और यूट्यूब चैनल हैं, उनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।